फ्रेंड क्या आपको भी मेरी तरह चंपारण हांडी मटन करी बनाना है? तो चले देर न करते हुए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है। हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चंपारण मीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि चंपारण मीट कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है और यहाँ पर मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं और यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं और यहाँ पर मैंने 10 प्याज लिया है और यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्च लिया है। अभी मैं इन मसालों को कट कर लेती हूँ। बने रहो मेरे चैनल पे। और ये मैं इसको मटके में बनाऊंगी और बहुत ही स्पाइसी तरीके से ये बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चंपारण मीट बनाया जाता है। आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, 1.5 किलो मीट है। इसके लिए 300 ग्राम तेल को हम पहले गर्म करेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ये देखिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, ये देख सकते हो, क्योंकि इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। बट अगर आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसमें बनाइए, और अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए। ये देखिए मैं यहाँ पे तेल को पूरा हीट करूँगी, इसके बाद इसको ठंडा करूँगी। बने रहो मेरे चैनल पे और मैं आपको सिखाती हूँ कि चंपारण मीट कैसे बनाया जाता है। और एक बार ज़रूर आप बिहारी स्टाइल से चंपारण मीट बनाइए। देखिए आपको इस तरह का मोटे तली वाला मटका लेना है और इसको सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। इसको धुलिएगा मत, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसको सूखे कपड़े से आप अच्छे से पोंछ लीजिए। ये देखिए इसी तरह से आपको ये मटका लेना है। बने रहो मेरे चैनल पे। ये देखिए, और ये ऐसे ढकने वाला लेना है। ये हमारा मटका अभी हम इसमें इसको बनाएंगे। तब तक उससे पहले हम अभी तेल को गर्म कर ले रहे हैं और मैंने 1.5 किलो मीट लिया है। मैं उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। ये देखिए हमारा तेल अभी गर्म हो रहा है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से एकदम गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं कि इस तेल में फिर आपको क्या करना है। देखिए फिर जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आपको पानी का इस तरह से छोका मारना है, जिससे कि तेल फट जाए। ये देखिए पानी का छोटा देने के बाद तेल इस तरह से हो जाएगा, इससे आपका जो हांडी चिकन है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। हांडी को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, इसको अच्छे से आप पोंछिए और इसके बाद इस तरह स्क्रू ड्राइवर से छेद करना है। इसमें ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब हम इस चिकन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो उसके बाद इस ढक्कन को खोला नहीं जाता, इसलिए भाप निकलता रहे। इसलिए इसमें अच्छे से धीरे धीरे इसमें इस तरह से छेद किया जाता है, वरना अगर आप तेज़ी से करेंगे तो टूट सकता है। ये देखिए, देखिए मैंने मीट यहाँ पर, देखिए मीट को अच्छी तरह से धो लिया गया है और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहो मेरे चैनल पर। ये देखिए अब हम खड़े मसाले का यूज़ करेंगे। इसमें जाफ़र ज़रूर डालना है, क्योंकि मीट जाफ़र की वजह से अच्छे से पक जाता है और जाफ़र को थोड़ा सा कूट के डालिएगा। लाल खड़ी मिर्च है और यहाँ पर देखिए तेज पत्ता है, आप देख सकते हो, और ये सारे गर्म मसाले हैं और ये पोस्ता दाना है, ये इसमें कंपलसरी होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहो मेरे चैनल पर। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को अच्छे से तरह से कट कर लिया है और यहाँ पर देखिए लहसुन को बीच बीच से लंबे लंबे इसको इस तरह से ही आपको कट करने हैं। इसको पीसना नहीं है, खड़े मसालों से ये तैयार होता है चंपारण मटका मीट। तो चलिए देर न करते हुए मेरे चैनल पे मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं, चंपारण मीट बनाते हैं। देखिए जाफ़र बस आपको इतना ही टुकड़ा डालना है, एक बड़ा सा आपका गोला सा रहेगा, उसमें से आपको इतना टुकड़ा निकालना है। इससे ज़्यादा जाफ़र आपको यूज़ नहीं करना है, 1/4 आपको जाफ़र यूज़ करना है और इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। बने रहो हमारे चैनल पे। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से कूट रही हूँ। ये देखिए देखिए बड़ी इलायची और छोटी इलायची को इसमें हम कूट लेंगे, ये आप देख सकते हो। ये देखिए हमने इसको कूट लिया है। देखिए अब हम इस मीट को इसमें सानेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका यूज़ कर सकते हो, मेरे पास सबसे बड़ा बर्तन यही है इसलिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए सारे मसाले जो हमने चॉप किए थे उस सबको इसमें मिला लीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पे। ये देखिए मैं आपको हर एक प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। एक बार ज़रूर आप चंपारण स्टाइल से मटका मीट बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब देखिए इसमें आपको धनिया पाउडर डालना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको धनिया पाउडर नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब देखिए इसमें मीट मसाला डाल देंगे। मीट मसाला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालिएगा। ये देखिए
ये देखिए जो तेल हमने गरम किया था उसको हम आधा मसाले में डालेंगे, आप देख सकते हो। ये देखिए इसको मसालों में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे, कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। ये देखिए, और ये मैं बिल्कुल आपको बिहारी स्टाइल बता रही हूँ चंपारण मीट बनाने का। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए इसमें मीट को आपको मिलाना है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। अब देखिए सब मसालों में मीट को आपको इस तरह से मिला लेना है, मिक्स कर देना है इस तरह से। अब देखिए मटके में हम तेल डाल देंगे। ये देखिए, अब देखिए इसमें हम खड़ा मिर्च डालेंगे। आपको मैं हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे। हम इसमें जो मीट हमने साना था मसालों में उसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि पहले से हमारा तेल गर्म हो चुका है, पहले से मैंने इसको गर्म किया है। देखो, अब देखिए एक बार आपने मीट डाल दिया है, इसके बाद आपको आधा गर्म मसाला इसमें डालना है, फिर मीट इसके ऊपर डालना है। ये देखिए, अब देखिए इसमें हम पूरा गरम मसाला डाल देंगे, फिर इसके ऊपर आपको मीट डालना है। अब मैं आटा सान के ले आती हूँ, क्योंकि इसे पैक करना है और धीरे धीरे पकाना है। अब देखिए इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, ये आपको पहले ही डालना था, सॉरी मैं भूल गई थी। अब देखिए इस तरह से आप इसको मिला दीजिए और इस देखिए इसको इस तरह से करिए जिसे नमक पूरे में मिल जाए। ये देखिए, अब देखिए इसको इस तरह से ढक देंगे और इसमें आटे की लोइयाँ हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हो, और जो छेद हमने किया था उसमें भी आटा लगाएंगे, क्योंकि इसको भी इसके जब तक ये पके नहीं, मटके इसमें खोला नहीं जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस करता है। और ये बहुत ही टेस्टी चंपारण मीट बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिहारी स्टाइल चंपारण मीट है। ये देखिए, ये बिल्कुल देसी तरीके से चंपारण मीट तैयार किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये देखिए अब हम इसको हीटर पे रख चुके हैं और इसे हम आराम से पकने देंगे। बने रहो मेरे चैनल पे। बीच बीच में आपको यहाँ से वेपर निकालने के लिए हल्का सा इसको हटाना है, फिर लगाना है, हटाना है बीच बीच में, और बीच बीच में हांडी को हिलाते रहना है, जिससे कि पूरी अच्छी तरह से मीट जो है उसमें अच्छी तरह से पक जाए। आप ये देख सकते हो इसमें वेपर निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको हांडी को बीच बीच में चलाते रहना है और ये बहुत एकदम देसी स्टाइल से। ये देखिए हमारा चंपारण हांडी मीट बन के तैयार हो गया है, हांडी मटन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।